खबर खनियादाना से है, जहां वन विभाग खनियादाना के अवैध उत्खननकर्ताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देश पर खनियादाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने खनियादाना वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कसई खदान से वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध उत्खनन करते एक ट्रैक्टर और ट्रोलर को पकड़ा है। पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहा था, जैसी वन विभाग की टीम को अवैध उत्खनन करता देखा तो पत्थर से भरी ट्रकों और ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल खनियादाना वन विभाग की टीम ने पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर और ट्रकों को पकड़कर खनियादाना सब रेंज में लाकर रखा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि खनियादाना वन विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर और ट्रकों रोज वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रकों को पकड़कर खनियादाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने वन अधिनियम के अंतर्गत अवैध उत्खनन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर और ट्रकों से कई दिनों से अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग को लगातार मिल रही थी। तब से वन विभाग ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और अवैध उत्खननकर्ता माफियाओं पर कार्रवाई की गई। खनियादाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। ट्रैक्टर और टर्बो के लिए पकड़ा है, क्या मामला है? रात्रि 12 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि कसई खदान पर एक ट्रैक्टर टर्बो में फर्जी पत्थर भर रहा है। वन पर क्षेत्र अधिकारी को सूचित कर हम परिचय सहायक खनियादाना और स्टाफ के साथ खदान पर पहुंचे तो वहां पर एक टर्बो में पत्थर पटिया भरे जा रहे थे। वन स्टाफ को देखकर मौके से जो भी अपराधी थे भाग गए और मौके पर एक टर्बो और ट्रैक्टर आयसर कंपनी का ट्रैक्टर जब्त किया गया है, जिसे लाकर खनियादाना सब रेंज में रखा गया। इसमें चालक भी मिला है या फरार हो गया? चालक फरार हो गया। मौके से सभी जो मजदूर थे और चालक था, सभी लोग फरार हो गए।